प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत आरोपी धनी राम कौल द्वारा एक 5 वर्षीय अवोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने बताया कि बालिका अपने घर के पास आंगनवाड़ी के सामने खेल रही थी, उसी दौरान उस आरोपी दरिंदे व्यक्ति की नजर उस बच्ची पर पड़ी, जहां उसने बच्ची को बहला फुसलाकर कुछ दूरी पर एकांत में ले गया और उसके साथ घिनौनी हरकत की, जिसकी सूचना जब बच्ची के परिजनों को लगी तब उन्होंने संबंधित थाने में आरोपी धनी राम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभी कुछ दिनों पहले भी जिले के मानपुर थाने अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। वहीं पुलिस अधीक्षक असित यादव के निर्देशन पर चंदिया पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला कायम करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला जेल भेज दिया है। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। कल शाम को महिला आई थी, उनके साथ उनकी बच्ची भी थी, तो उसको उन्होंने बताया कि उनको डाउट है कि 4-5 दिन पहले किसी व्यक्ति ने बच्ची के साथ कुछ गलत कृत्य किया है, तो उसको बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। उसके उपरांत 376 में और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो आरोपी उसको अरेस्ट कर लिया गया। अभी आजीवन कारावास कई मामलों में हुआ भी है, जो भी ऐसी घटना घटती है तो चाहे वो किसी वर्ग जाति की लड़की हो और कि उसके साथ यदि ऐसे घटना घटती है तो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे उमरिया ज़िले के लिए निंदनीय है और ऐसे अपराधी को तत्काल दंड मिलना चाहिए और हम लोग भी प्रयास करेंगे। समाज को ये जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे हैवान और कुत्तों को सतर्क करें, ऐसे लोगों से सतर्क करें, खासकर माएँ इतनी सतर्क हों बच्चों की कि हमारी बच्चियां इतनी छोटी हैं जो ना समझ हैं वो कहां जाती हैं, कहां पर हैं, उस पर माँ का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और समाज में काम करने वाली जो अन्य महिलाएं हैं, आशा कार्यकर्ता है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इन लोगों की भी दृष्टि ये देखना चाहिए कि जब जब ऐसी घटनाएँ होती हैं तो मानवता शर्मसार होती है और ये बहुत ही पेनफुल है किसी भी समाज के लिए कि अबोध बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कानून का प्रश्न नहीं है, कानूनी सक्रियता तो आनी ही चाहिए। अभी देखिए उसमें कानून में ये प्रावधान भी हो गया कि 12 साल तक के बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है तो फांसी की सज़ा का प्रावधान भी हुआ, इसके बावजूद ही घटनाएँ नहीं हुई। इसलिए इसको थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक ढंग से भी देखना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर ये घटनाएँ थम क्यों नहीं रही, बार बार ही हो रही। उमरिया ज़िले में अभी पिछले दिनों मानपुर ब्लॉक में इस तरह की घटना हुई और ये दूसरी एक घटना है। तो ये इसको अलग तरह से सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी सोचना और इसका निदान खोजना अनिवार्य है। इसमें जो ये घटना घटित हुई है ये हमारे समाज के लिए वास्तव में कलंक है। आज जिस तरीके से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं उसके बावजूद समाज में इस तरीके से चरित्र पतन समाज का हो रहा है कि मनुष्य आज अपने ही जाति की बच्चियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के गिरते चारित्रिक जो गुण हैं उनका भी ये एक परिणाम सामने आया है और इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय हैं। पुलिस प्रशासन को इसमें तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए और विवेचना करते हुए इसमें आरोपी तक पहुंचना चाहिए और हमारे वर्तमान सरकार द्वारा इसमें बच्चियों के साथ इस तरह की दुष्कर्म की घटनाओं के बाद कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो आरोपी हैं वो बिल्कुल कटघरे में आएँ और उनको न्यायोचित जो उनको इस दुष्कर्म का जो उनको सजा है वो अवश्य। ये जघन्य अपराध करना समाज के लिए बहुत बेकार घिनौना अपराध होता है। इस अपराध को जो करता है रोक रहा है उसे कड़े से कड़ी सजा देना चाहिए। ये तो ऐसा है कि बस बस्ती वालों ने, गांव वालों ने, नगर वालों ने, आसपास के लोगों ने उसे छोड़ दिया, नहीं तो ऐसे इंसानों को तत्काल ही खत्म करना चाहिए। सरकार ने उनको फांसी की सजा देने के लिए मुकदमा तो किया है लेकिन उस पर कोई गौर नहीं। अफसोस ही नहीं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, जो कि हकीकत में ये होना चाहिए और मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम सब एक साथ हो करके ऐसे ऐसे शख्स के लिए
ऐसे व्यक्ति के लिए। हम जो है कानून से निंदा करते हैं, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि एक साथ हो करके ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो है कोई ऐसा गलत काम ना कर सके। मुझे आज एक शेर याद आ रहा है जिसमें अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हर कौम के लिए है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिस कौम को खुद अपने हालत के बदलने का। तो ये जो घिनौना अपराध हुआ, जिसने भी किया, मैं उसे नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वो इंसान कहने का लायक नहीं है, बल्कि वो इंसानी शक्ल में एक दरिंदा है, एक जानवर है। और ऐसे जानवर को मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जानवर को हम सब एक साथ हो करके और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं, ताकि जो है ऐसा अपराध घिनौना काम फिर कभी ज़िंदगी में ना कर